आजकल बहुत से घरों में ऐसी ऐसी हरकतें चलती हैं कि बाप का ना कोई सुनने तैयार है, ना अपने आदमी की कोई इज्जत करने तैयार है। मतलब आजकल बीवी बच्चों का इस कदर जहन भटक गया है कि ये नहीं सोचते कि आदमी कैसे ला रहा है कमा के, और कैसे चला रहा है, और तुम्हारा कैसा पूरा कर रहा है। ये किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है आजकल। और मतलब इतनी उनका दिमाग में इतनी गंदगी भर गई है। अरे मैं तो बोलता हूँ, जो बीवी और बच्चे अपने बाप का कहना नहीं माने, और बीवी अपने बताए शोहर के कहने के मुताबिक नहीं चले, तो वो बीवी नहीं कहलाएगी। इनके अंदर मतलब इतनी नमक हरामी भर चुकी होती है, इनको नमक हरामी कहा जाएगा जो एक शोहर और एक बीवी एक बच्चे ये अपने बाप के और मर्द के नहीं हुए तो ये जिंदगी में किसी की नहीं हो सकते। ये मेरी बात ध्यान में रख रहे हैं, एक मैसेज है ये। तो इसके लिए इसके चलते मैं एक बात कहूँगा कि मतलब कभी भी अपने बच्चों को और अपनी बीवी को अपनी ताक पे रखा करो। हम मोहब्बत में हम सब कुछ पूरा करते 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 उनकी लालच इतनी भर जाती है कि वो लालच कभी कोई पूरा नहीं कर सकता है। इस कदर मतलब इनकी लालचें बढ़ जाती है फिर, और जब लालचें बढ़ती है ना, तो उसको मेरी तुम्हारी किसी की किसी मर्द की क्या ताकत है कि जो उनकी लालच पूरी कर देगा। तो जहिलियत जो है जिनकी गंदी हो जाती है, वो कभी अपने बाप की या अपने शोहर की हो ही नहीं सकती। ये उनकी जहिलियत गंदी हो गई है इनके। इसलिए मैं अगले वीडियो में भी बोला था कि ऊपर वाले ने मुंह है अच्छा बोलने के लिए दिया है और खाने के लिए दिया है, मगर निकालने के लिए कोई रास्ता और दिया है। मगर जो औरत और जो बच्चे मुंह से ही खाते हैं और मुंह से ही दूसरे रास्ते का निकलने वाली गंदी चीज अगर वो मुंह से ही निकलेगा, तो वो गंदगी, वो औरत ही गंदी, वो बच्चे ही गंदे। ये मेरा मैसेज ये समझ के रखना कि मतलब कि किसी भी हाल में उनको सही मत समझना। औरत अपनी जबान, अपनी लहजा अपने शोहर के हाथ के नीचे रखे, अपने पति के हाथ के नीचे रखे, तो वो औरत कहलाएगी। अगर वो मर्द बनने की कोशिश, औरत अगर